आज मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी। ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे बहुत वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो यहाँ मैंने 3 टमाटर जो मैंने वॉश कर लिया है, अब मैंने कट करूँगी, हाफ करूँगी बीच में से। यहाँ मैंने टमाटर इस तरीके से काट लिए हैं, ये देखिए। यहाँ मैंने लिया एक पैन, इसमें मैंने डाला सरसों का तेल। अब मैं इसमें डाल दूँगा सभी टमाटर। अब मैंने प्लेट रख दूंगी 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर की स्किन सॉफ्ट हो गई है, अब इनको इस प्लेट पर निकाल लेंगे। मैं सभी टमाटर को प्लेट पर निकाल लिया है, अब इनकी स्किन आराम से रिमूव हो जाएगी। थोड़े गर्म है ये देखिए, इसकी स्किन आराम से सके उतार लेंगे, सभी टमाटर के स्किन उतार लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी टमाटर की स्किन उतार लिया है, बिल्कुल आराम से रिमूव हो जाती है। ठंड होने के बाद देखिए सारी ऐसे उतर गई है। अब इन टमाटर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, अब इन्हें मैश कर लेंगे सभी टमाटर को। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैशर की मदद से सबको टमाटर को मैश कर लेंगे सबको। यह मैंने लिया एक पैन, डालेंगे देसी घी थोड़ा सा। ये यहाँ मैंने लिया प्याज, इनको छोटे छोटे काटा है मैंने, इसको मैं मिला दूंगी मैं बाउल में टमाटर के साथ। यहाँ मेरा घी गर्म हो चुका है, इसे मैं डालूंगी हरी लहसुन और हरी मिर्च। इन्हें हल्का सा फ्राई कर लूंगी। अब मैं छोटे में डाल दूंगी, इन्हें मिक्स कर दूंगी, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं इसमें। अब डालेंगे मसाले, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्च, अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। इसमें हरा धनिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। ये फ्रेंड्स, चटनी मेरी बिल्कुल तैयार है, आप भी ऐसे बनाइए और खाइए। बाय।